सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचपी फोटो एडिटिंग। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा फोटो एडिटिंग कर दिखाने वाले का। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रुको जरा, सबर करो। तो इस वीडियो में जितने पीएनजी का यूज किया गया वो सभी पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट फॉर इट। तो सबसे पहले हम इस फोटो को हम यहाँ पे पिकार्ट एप्लीकेशन में ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसे स्क्रॉल करके यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे एक पीएनजी हम ऐड कर लिए हैं। तो ये ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से इसे फिक्स कर लेंगे। फिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हम इसे कर देंगे इरेजर वाला आइकन पे क्लिक, आपको ऊपर साइड में दिख रहा होगा। देन यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देन यहाँ पे कर देंगे इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक और यहाँ पे इसे हम फटाफट इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें आधा पार्ट ही इरेज करना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉपी और जो हमारा हाथ है लिख रहे हैं यहाँ पे हम हाथों से। सो यहाँ तक ही आपको इरेज करना है, इससे ज़्यादा आपको इरेज नहीं करना है। तो हम इसे यहाँ पे फटाफट इरेज कर लेते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो आप यहाँ पे आराम से इरेज करिएगा। तो ये सभी पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें जितने पीएनजी का यूज़ किया जा रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे इसका आधा पार्ट ही इरेज कर रहे हैं। देख सकते हैं ये आपको जूम इन करके हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इरेज करना है, इसका साइज हार्डनेस और ओपेसिटी को मैनेज करने के साथ। देन यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपी के साइड ही हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ तक हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, उतना ही आपको इरेज करना है। ये इरेज कर लेने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे डन। डन कर देने के बाद फिर से हम कर देंगे डन। डन कर देने के बाद यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और पीएनजी हम ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे इसे फिक्स करने के लिए इसका ओपेसिटी माइनस सेट करके फिक्स कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इरेजर वाला आइकन पे क्लिक और इन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसे कर देते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट कर देने के बाद री इरेज वाला आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसे फटाफट री इरेज कर लेंगे। तो हम इसे री इरेज कर लेते हैं। तो देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो बीच में गैप दिख रहा है यहाँ पे आपको इरेज नहीं करना है। स्टिकर वाला आइकन पे अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोन का डेटा आपको ऑन कर लेना है। तो ऑन कर लेने के बाद यहाँ पे सर्च वाला आइकन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे सर्च करना है रॉक। तो हम यहाँ पे रॉक सर्च कर लेंगे। सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सो ये इंटरफेस आ जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे रॉक का पीएनजी हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। सो हम यहाँ पे रॉक का पीएनजी ऐड कर लिए हैं। सो ये ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे हम इसे ये जो बीच में गैप था यहाँ पे हम इसे फिक्स कर लेंगे जूमिंग करके। तो यहाँ पे इसका ओपेसिटी इसको भी हम यहाँ पे माइनस ऐड करके यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स कर लेने के बाद इरेजर और आइकन पे क्लिक करके इन्वर्ट करके यहाँ पे इरेज कर लेना है। तो हम इसे यहाँ पे इरेज इसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको साइज और हार्डनेस और ओपेसिटी का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। सो हम इसलिए ये बोल रहे हैं ताकि आपका जो फोटो है वो खराब ना हो। सो हम यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से इरेज कर लेंगे। Till I get up, time is barely on our side. यहाँ पे कर देंगे डन। डन कर देने के बाद यहाँ पे फिर से हम ऐड फोटो पे क्लिक किए। देन यहाँ पे एक और पीएनजी हम ऐड कर लिए। तो इस पीएनजी को हम यहाँ पे लेग के नीचे हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पे पैरों के नीचे से फिक्स कर लेंगे जूमिंग करके। तो यहाँ पे इसे भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लीजिएगा। फिक्स करने के बाद यहाँ पे
आपको ओपेसिटी को यहाँ पे माइनस के साइड रख के यहाँ पे फिक्स करना है ताकि आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाए। फिक्स हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से फिक्स हो चुका है। ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इरेजर वाला आइकन पे क्लिक ओपेसिटी बढ़ाकर। तो हम यहाँ पे इरेजर वाला आइकन पे क्लिक करके इन्वर्ट करके हम यहाँ पे इसका ओपेसिटी हार्डनेस और साइज को मैनेज करके हम यहाँ पे इसे ब्रश कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे री इरेज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसे फटाफट इसे भी हम यहाँ पे री इरेज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसे फटाफट री इरेज कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद यहाँ पे कर देंगे डन। डन कर देने के बाद इसका ओपेसिटी फुल कर देंगे। फुल कर देने के बाद फिर हम यहाँ पे कर देंगे डन। तो हम डन कर देते हैं। ये डन कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा बिफोर एंड आफ्टर, ये देख सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे और ये हो जाएगा गैलरी में सेव। तो आज के लिए बस नहीं मिलते अगले